नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं हमारी खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 2,391.36 करोड़ रुपए के मंडल बांध सहित कई परियोजनाओं की नींव रखी और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में से 5 को उनके मकानों की चाबी सौंपी। इसी दौरान पूर्व सरकारों पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें झारखंड के किसानों के हितों की परवाह नहीं थी। मंडल बांध परियोजना में देरी इसका सबूत है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों को अन्नदाता मानते हैं, पूर्व सरकारों की तरह उन्हें वोट बैंक नहीं समझते। मंडल बांध परियोजना से पलामू और गढ़वा जिलों में 19,604 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। बांध पर काम 1972 में शुरू किया गया था लेकिन 1993 में इसे रोक दिया गया था। इसे लातेहार जिले के बरवाड़ी ब्लॉक में उत्तरी कोयल नदी पर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 9 जनवरी को हिसार में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और 2014 में हारी हुई लोकसभा सीटें 2019 में जीतने का मंत्र देंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और हिसार लोकसभा प्रभारी वीर कुमार यादव ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने इस दौरे में हिसार, सिरसा और रोहतक लोकसभा क्षेत्र प्रमुखों को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल और रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस विजय रही थी। इस बार बीजेपी ने इन तीनों ही लोकसभा सीटों पर खास फोकस रखा है और पार्टी के कई बड़े नेता अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। विजय माल्या को विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। 26 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने फैसला 5 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा था। माल्या ने पहले प्रिवेंशन मनी लॉन्डर एक्ट पीएमएलए अदालत को बताया था कि वह भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है। उसने ये भी कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल नहीं है। कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही विजय माल्या देश का पहला आर्थिक अपराधी बन चुका है जिसके खिलाफ नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के तहत केस चलेगा। जबलपुर के वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रयाग दत्त जुयाल के खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जीएमएफसी निधि जैन ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो जुयाल के खिलाफ केस दर्ज करे। जबलपुर के वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रयाग दत्त जुयाल रेप केस में फंस गए हैं। संजीवनी नगर में रहने वाले एक महिला की शिकायत पर कुलपति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। महिला की शिकायत थी कि पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। पीड़ित महिला ने जिला अदालत में परिवाद दायर किया था। इस बार सुनवाई करते हुए जेएमएफसी निधि जैन ने सिविल लाइंस थाने को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। खंडवा जिले के आदिवासी ब्लॉक खालवा में एकलव्य छात्रावास की एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि दूसरी बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। छात्रावास में बच्चों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई छात्रों की यहां मौत हो चुकी है लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला अब तक मौन बैठा हुआ है। जिले के आदिवासी बच्चों के उन्नयन के लिए बने एकलव्य छात्रावास में एक बच्ची बीमार होती है और कुछ घंटे में ही दम तोड़ देती है। मृत बच्ची गुंजा पंधाना के जामली गांव की रहने वाली थी। घटनाक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि गुरुवार को छात्रावास में दो बच्ची गुंजा और रूपाली की अचानक सेहत बिगड़ी। उन्हें रोशनी से खंडवा जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन इलाज के दौरान गुंजा ने दम तोड़ दिया जबकि उसके साथ भर्ती रूपाली का अब तक इलाज जारी है। हरियाणा के चरखी दादरी में दो सहेलियों ने साथ रहने के लिए शादी कर ली। शादी के लिए एक युवती अपना लिंग परिवर्तन कराकर युवक बन गई। परिजनों ने विरोध जताने के बाद मामला थाने पहुंचा। सिटी थाना प्रभारी दलवीर सिंह ने बताया कि लिंग परिवर्तन के बाद युवक बनी युवती ने एसपी स्मृति चौधरी को शिकायत देकर ससुराल वालों पर पत्नी से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया। शिकायत से उसने कहा कि युवती के परिजन शादी के खिलाफ हैं। थाना प्रभारी दलवीर सिंह के अनुसार उन्होंने गुरुवार को दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह का प्रयास किया। दलवीर सिंह ने बताया है कि युवक लिंग परिवर्तन करवाने वाली सहेली और युवती दोनों शहर की अलग अलग कॉलोनियों में रहने वाली हैं।
प्रदेश के कई जिलों में पाले से फसलें नष्ट हो गई हैं, लेकिन अब फसलों पर जंगली जानवरों का खतरा मंडराने लगा है। दमोह के किसान इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उनके खेतों में जंगली जानवरों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। खेतों में नील गाय, हिरण, बारह सिंगा फसलों को मचाने में लगे हैं, जिससे किसानों का काफी नुकसान हो गया है। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना भी दी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस तरफ जा रहा था तो ये दमोह की तरफ से आ रहा था, तो भाई नजर पड़ी कि बरवाई फांदे फांदे कुछ कुत्ते कुछ लोग इसके दौड़ रहे पीछे, तो जाके फिर हमने देखा यहाँ भी रुक गया फिर ये अपना चौपड़ा के पास। तो फिर हमने संजय सरवैया जी को फ़ोन लगाया, क्योंकि पुलिस वालों को तो लग नहीं रहा था, तो संजय सरवैया जी को फ़ोन लगाया तो वो आके फिर हमने उसको देखा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।